हेल्प होता है बच्चों का, लेकिन वो दूसरा तरीका से हेल्प होता है। जिस तरीके से हेल्प होना चाहिए उस तरीका से नहीं होता। फ़ायदा होता है, जिससे सपोर्ट मिलना चाहिए उसे सपोर्ट मिल भी जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा दूसरों को फ़ायदा होता है। खान सर गलत नहीं बोलते कि 142 नंबर की ये जो मीडिया है हमारे भारत की, ये सिर्फ अपना TRP के लिए काम करती है। आज सोनू वायरल है तो आज इसका पूरा दुनिया में चर्चा कर रहा है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनू के बारे में। जी हाँ गाइज, द वायरल बॉय सोनू। आजकल सोशल मीडिया पे सोनू बहुत ही तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आखिर ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है और ये वायरल क्यों हो रहा है, सोशल मीडिया पे इतना इसका ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है बात। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोनू कहाँ से बिलोंग करता है। तो गाइस, सोनू बिहार के नालंदा जिला से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। और गाइस, ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इस बच्चे में ऊर्जा बहुत है। गाइस, इसे बड़ा होकर कलेक्टर बनना है और इसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि ये अच्छा स्कूल में जाके पढ़ाई कर सके या अपने घर से बाहर जाके कहीं अच्छे शहर में जाके और अच्छा एजुकेशन ले सके। इसके हिसाब से इसे उतनी शिक्षा नहीं मिल पा रही है जितना इसे ज़रूरत है। और साथ ही साथ इसने कहीं ना कहीं बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे भी उंगली उठाया है कि टीचर्स को खुद नहीं आता है और वो बच्चे को पढ़ाते हैं। और गाइस, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चीज़ रियलिटी है जो कि इस बच्चे ने बात उठाया है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ गाइस, इसने कोई पेरेंट्स, कोई रिश्तेदार, कोई टीचर के पास नहीं, बल्कि ये बच्चा सीधा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के पास चला गया और उनसे कहता है कि सर मुझे पढ़ाई करना है, मुझे शिक्षा दो, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे हेल्प करो। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे सोनू बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। गाइज, यही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है जो कि सोनू का हेल्प करने की बात कही है, जैसे कि एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट के HOD ने भी सोनू को गोद लेने की बात कही है। और साथ ही साथ जब तक कि वो कलेक्टर नहीं बन जाता है तब तक उसका जो भी खर्चा होगा, आज से जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाता, सारा खर्चा एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट उठाने के लिए तैयार है, ऐसा एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट के HOD ने कहा है। और गाइज, यहीं पे अगर बात करें फिजिक्स वाला का, तो फिजिक्स वाला भी बहुत ही तेजी से मुकाम हासिल किया है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। वहीं फिजिक्स वाला का जो ओनर है अलक पांडे सर, उन्होंने भी इस बच्चे को, सोनू को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है और उन्होंने भी कहा है कि जब तक इसका जॉब नहीं होगा तब तक वो इसका हेल्प करेंगे, साथ ही साथ उन्होंने इसे कुछ पैसे भी ऑफर किए हैं। तो गाइज, ये तो हो गया द वायरल बॉय सोनू का बात। तो गाइज, इस चीज से तो हम भी बहुत ज्यादा खुश हुए कि इस बच्चे में इतना टैलेंट है, इतना छोटा सा बच्चा, और इसे इतना कुछ समझ आ रहा है कि क्या सिस्टम चल रहा है, कहाँ गलत है, ये बच्चा समझ रहा और इसने मुद्दा भी उठाया है, तो ये चीज तो मानना पड़ेगा। साथ ही साथ पढ़ाई को लेकर इस बच्चे में जितना ऊर्जा है, वाकई ये काबिले तारीफ है और ऐसे बच्चे को सैल्यूट है कि ये एक बिहार का बच्चा है और बिहार का कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहा है। लेकिन गाइज, ये तो चलिए सब कुछ सही चल रहा है, ऐसे ऐसे बच्चों को सपोर्ट मिलना भी चाहिए, जो कि मिल भी रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा जमाना है कि कोई भी चीज को बहुत जल्दी वायरल कर देता है। तो सोशल मीडिया के जरिए ये बच्चा बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ और इसे सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो कि सपोर्ट मिल रहा है और ये सब आप लोगों के जरिए ही मिल रहा है। लेकिन मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों लिखा कि ये सब गोलमाल है? तो गाइज, मैं आपको एक साल पीछे ले जाना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल जब रेलवे का और इंडियन आर्मी का रैली नहीं निकल रहा था, तो बच्चों ने ट्वीट किया था, बच्चों ने बहुत जगह ट्वीट किया, बहुत लोगों से बात किया, सब कुछ इतना कुछ किया, मिलियंस में गाइस ट्वीट गया था। अगर मैं आपको बता दूं, मिलियंस में ट्वीट गया था कि इस पे भी ध्यान दिया जाए, रैली निकाला जाए, जॉब निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीका से जनसंख्या बढ़ रहा है उस तरीका से आजकल जॉब नहीं निकल रहा है, खासकर अगर गवर्नमेंट जॉब का बात करें, जैसे कि इंडियन आर्मी वगैरह हो गया, डिफेंस लाइन या रेलवे, तो इन सब चीज़ों का आप देख सकते हैं कि रैली निकल ही नहीं रहा, कितना बच्चा सुसाइड कर लिया, कितना मिलियंस में ट्वीट जाता है, क्या क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है, कितना मीडिया वाले सब कुछ फैलाते हैं, वायरल करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गाइस, मिलियंस में ट्वीट जाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि रेलवे और इंडियन आर्मी का रैली नहीं निकलता है, बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो गाइज, मैंने गोलमाल क्यों लिखा? गाइज, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा, आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ समझाने के लिए लिखा, देखिए आज ये बच्चा वायरल हो रहा है तो इसे सपोर्ट मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, इस चीज़ को मैं भी अप्रिसिएट करता हूँ और मैं भी ये चीज़ बोलता हूँ कि ऐसे बच्चों का सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे आज आप देख लीजिए, हर एक सोशल मीडिया पे, हर एक न्यूज़ वाला चैनल हो या कोई भी यूट्यूबर हो, सब सोनू के बारे में बता रहे हैं, अभी मैं भी इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिएगा, सपोर्ट करना और उसके पीछे का खुद का फ़ायदा, ये दोनों चीज़ में बहुत अंतर होता है। जैसे कि आज सोनू वायरल हो रहा,
तो कोई भी अगर उसे वायरल कर रहा है तो उसके पीछे उसका भी कुछ मनसा होता है, उसका भी व्यूज आता है, टीआरपी आता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसे भी पैसे अर्न होते, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाए या वो न्यूज़ चैनल पे दिखाए। गाइस सब कुछ टीआरपी के लिए होता है, वो बच्चा को सपोर्ट मिलना चाहिए, ये चीज़ मैं भी बोलता हूँ। खान सर गलत नहीं बोलते कि 142 नंबर की ये जो मीडिया है हमारे भारत की, ये सिर्फ अपना टीआरपी के लिए काम करती है। आज सोनू वायरल है तो आज इसका पूरा दुनिया में चर्चा कर रहा है। जब एक साल पहले ट्रेंड पे चल रहा था, मिलियंस में ट्वीट जा रहा था कि रेलवे का और इंडियन आर्मी का बहाली नहीं निकलता, तो उस समय भी हमारा मीडिया पूरा एकदम जोरों शोर से ताकत लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो गाइस सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करते भी है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर खुद का कॉमन सेंस लगा कर देखें, लोग सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए कि मैंने ये हेल्प किया, मैंने वो हेल्प किया, सिर्फ इसके लिए काम करते। हेल्प होता है बच्चों का, लेकिन वो दूसरा तरीका से हेल्प होता है, जिस तरीके से हेल्प होना चाहिए उस तरीका से नहीं होता। सबका पीछे का अपना मानसा होता है, सब टीआरपी के लिए काम करते हैं। फायदा होता है, जिसे सपोर्ट मिलना चाहिए उसे सपोर्ट मिल भी जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा दूसरों को फायदा होता है। तो गाइज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर इतना सच्चा हमारा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम होता, अगर इतना सच्चाई से सब कुछ काम होता, हमारा जो 142वें नंबर का जो यहाँ का मीडिया का जो सिस्टम है, अगर वो लोग इतना अच्छा होता, तो आज भी इंडियन आर्मी का रैली निकलता, SSC के लिए इतना जो बच्चों ने ट्वीट किया, बच्चों का परेशानी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, इस पर भी कार्रवाई होता। जो हमारे सरकार है उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, और वो ध्यान नहीं दिए, क्योंकि अगर ध्यान दिए होते तो ये मैटर सॉल्व हो जाता। आप खुद देख लीजिए, जो बच्चा डिफेंस लाइन का तैयारी करता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से या एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि चाहता है कि हम देश के लिए कुछ करें, आर्मी बने, बॉर्डर पे जाके लड़ाई करे, देश के लिए कुर्बान होने तक का तैयार हो जाता है, अगर वो बच्चा जो कि 2-3 साल से मेहनत कर रहा है, और अगर एज के कारण, क्योंकि वैकेंसी नहीं निकला, अगर उसके कारण उसका एज खत्म हो जाता है, तो उस बच्चे पे क्या बीतता है, ये आप एक बार सोच के देखिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा सोचना सही है या नहीं। सपोर्ट आज सोनू को भी मिल रहा है, उस समय भी मिलियंस में ट्वीट गया था, अगर सपोर्ट आप लोग नहीं करते, क्योंकि मिलियंस बच्चे यहाँ पे फॉर्म नहीं भरते, लेकिन मिलियंस में अगर ट्वीट जाता है, इसका ये मतलब है कि लोग भी सपोर्ट करते हैं, मीडिया भी सब कुछ करती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि सब अपना फ़ायदा देखते हैं। आज सोनू वायरल है तो सोनू को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सब वीडियो बना रहे हैं, सब न्यूज़ पे चला रहे हैं, सिर्फ अपना टीआरपी के लिए, अपना फ़ायदा भी देखते हैं, और मतलब एक शब्द में बोल सकते हैं कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। तो ये सिस्टम है हमारा इंडिया का, और जो एजुकेशन सिस्टम। तो आई होप कि मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ आपसे, या जो चीज़ सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, वो आप लोग को समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। तो बस इसी के कारण मैंने थंबनेल में लिखा था कि सब गोलमाल। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा सोचना सही है या नहीं, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।